मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा नानकमता साहिब में माथा टेका और प्रदेश में सुख समृद्धि शांति की कामना की। बता दें कि सीएम धामी नानकमता उद्धम सिंह नगर में मां दुर्गा पूजा महोत्सव में शामिल हुए। यहां बंगाली कॉलोनी समिति की ओर से अपनी कॉलोनी में मां दुर्गा मंदिर बनाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इसका शुभारंभ कर दुर्गा महोत्सव में शामिल हुए, जिसके बाद गुरुद्वारा नानकमता साहिब और गुरुद्वारा दूधवाला कुआं पर मत्था टेका। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। दुर्गा महोत्सव जो कि आप सबके द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस दुर्गा महोत्सव की आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज इस पावन नवरात्रों के अवसर पर आप सबके बीच में आकर एक भव्य और बहुत ही दिव्य जिस मंदिर में आप सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान हुआ और मैंने आज माँ दुर्गा से आप सभी की खुशहाली की कामना की है। ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए हमारे पूरे बंगाली समाज का बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी अपने बहुत सीमित संसाधनों में, अभावों में, परेशानियों में उन्होंने मेहनत से, परिश्रम से, लगन से, एकजुटता से इतने भव्य और दिव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया है। ये वास्तव में आप सब लोगों को जितनी मैं जितनी बधाई दूँ, जितनी आपकी मैं प्रशंसा करूँ उतनी मेरे लिए कम है। आज के इस अवसर पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी को, राजा राम मोहन राय सहित बंगाल के महान संतों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाया, जिन्होंने एक मार्ग दिखाया, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ते रहे, संघर्षों को अपनाते रहे, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, उस समाज का आप सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को भी जीवन करने का काम, उस आजादी की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का